नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर प्रखंड में उपस्थित हूँ और मेरे पास यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष, जिसको हम लोग प्रखंड प्रमुख भी कहते हैं, अर्थात श्रीमती निहारिका नूतन जी उपस्थित हैं। प्रखंड में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इनको नहीं जानता हो, तो मैं आपका समय व्यतीत न करते हुए स्वतः मैं लेकर चलूँगा इनके पास और हम लोग करेंगे इनसे बातचीत। तो सबसे मैं पहले आपका सर मैम स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में, कि आप अपने मूल्यवान समय निकाल कर हमें दी। तो मैम आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और अपना हाल चाल बताइए। नमस्कार, मैं निहारिका नूतन, प्रमुख रामनगर, और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ अपना समय दिया और मेरे विचारों को, जो मेरा प्रखंड के लिए प्लानिंग है, उसको जनता के बीच लाने का काम किया। आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नेटवर्क है और हम जो भी करते हैं और जो करना चाहते हैं उसको इस माध्यम से हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो आगे की मेरी प्लानिंग बहुत सारी है, मैंने फ्यूचर प्लान भी कर रखा है कि हमें और क्या क्या हमारे अगले कार्यकाल में क्या क्या करना है, उसको काम करने के लिए मैंने सबकी प्लानिंग कर ली है, सबको एक उसका खाका बना लिया है जिस पर हम काम शुरू कर दिए। मैम अभी जो आपके क्षेत्र में जो अब हालांकि 2 साल होने में कुछ ही महीना कम है, ये कुछ ऐसा माइलस्टोन वर्क है जो आपको सबसे लगे हाँ ये अनिवार्य काम था और होना चाहिए जिसको मैंने किया? सबसे पहले तो मेरे आते के साथ आने के एक महीना बाद ही, मार्च अप्रैल के लगभग में पिछले साल ही, इमरती कठहरवा एक सफाई पंचायत में एक छोटा सा गांव है जो हमारे रामनगर से बिल्कुल कटा हुआ था, वहाँ सड़क नहीं थी और वहाँ के लोग बारिश में बिल्कुल अलग हो जाते थे, लगता ही नहीं था कि वो हमारे मानचित्र पे भी है। तो वहाँ आते के साथ मैंने काम किया, मिट्टी भराई करके मैंने बहुत बड़ा सड़क बनाया, सड़क बना के मैंने वहाँ के लोगों को आने जाने का एक रास्ता दिया और गाइड बांध, हमने रिंग बांध की कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की कि हम उनको रिंग बांध दिलाएं, लेकिन गाइड बांध दे के हमने उस गांव को बचाया और वहाँ बाढ़, इस बार वो बाढ़ मुक्त गाँव है। बाढ़ मुक्त गाँव हो, हालांकि पहले बाढ़ युक्त था लेकिन अब मुक्त हो गया। मैम अगला आपसे ये है कि प्रश्न जब भी हम लोग ब्लॉग में देखते हैं, हालांकि मेरे पास तो कोई साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य तो नहीं है कि आदमी उसको दिखाए, जनता को, मैम जनता की हमेशा ये सवाल होती है, प्रश्न होता है, समस्या होती है कि ब्लॉक में जब जाते हैं तो उनको बहुत भाग दौड़ मतलब दौड़ना पड़ता है, खास वैसे लोगों को जो गरीब हैं, जो शिक्षा से काफ़ी वंचित है, तो उसके तो उनको लेकर कुछ प्लान वगैरह? सबसे पहले तो मेरे आने से औरतों की भागीदारी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो है, जी, और पहले सिर्फ प्रमुख पति होते थे, मुखिया पति होते थे, सरपंच पति होते थे, अब खुद महिलाएं निकल के घर से और हर मीटिंग को अटेंड करती है, अपने जनता की दिक्कतों को लेकर डायरेक्ट मेरे पास आती है। मेरे रहते हुए जितने भी लोग आते, जैसे EWS का बनाना है, किसी को जाति निवास बनाना है, बहुत सारे बच्चे महिलाएं आते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनसे बिल्कुल कोई पैसा ना लिया जाए, उनको कम समय में बना के उनको दिया जाए, तय सीमा में उनको दे दिया जाए। तो मेरे नॉलेज में जितना भी आता है मैं खुद से जाके करवाती हूँ, मेरे प्रयास से। मैंने SDM मैडम से बात करके, DM सर से बात करके कितनी बार दोन एरिया में कैंपिंग करवा के लोगों के बीच में आधार कार्ड बनवाया, अभी और भी बनवाना है, 2-3 कैंप हमें और लगाना है। तो वहाँ की जो जनता, जो बूढ़ी औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, छोटे बच्चे को लेके धूप में आती हैं, पूरा दिन उनका पास हो जाता है और यहाँ उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिल पाता है, जिससे वो वंचित हो जाती हैं। तो मेरा प्रयास होता है कि हम उनके द्वार तक जाके और हमारे प्रयास से उनको वहीं पर उनके घर तक उनको कैंपिंग करके आधार बनवा दिया जाए, उनका राशन कार्ड बनवा दिया जाए, उनका निवास बनवा दिया जाए। तो ऐसा मेरा प्रयास होता है और हमारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, हमारा कोऑपरेशन करते हैं और वहाँ जाके हम लोगों को ये सुविधा मुहैया करा पाते हैं। चलिए मैम, जब विकास मैम जब एक प्रखंड प्रमुख या प्रखंड अध्यक्ष का जब दिमाग में नाम आता है तो सबसे पहले फ्लैश करता है कि विकास, और हमारे क्षेत्र में काफ़ी तो अभी क्षेत्र विकास का की गति तो तेज है, लेकिन जो इन दोनों के विकास और जो विकास क्षेत्र हमारा जो वंचित है, इन दोनों के बीच में समन्वय नहीं है। जैसे कि जहाँ पर नाला की आवश्यकता है वहाँ पर सड़कें बनाई तो जा चुकी है, और जहाँ पर सड़क की आवश्यकता है तो वहाँ पर सिर्फ
नाला ही है, और जहाँ पर नल जल की आवश्यकता है तो वहाँ पर सड़कें हैं इस तरह की, तो ये कहाँ तालमेल आखिर में मैं मतलब कि मैं मिस होता है। अब जैसे कि जहाँ पर नल जल लग गया तो वहाँ पर तो वहाँ की 100% चाहिए कि आप नाला पास कराएं, तो ये इसमें मैम कहाँ दिक्कत है, इसको कैसे हल किया जाए? इसका हल तभी हो सकता है जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जेई होते हैं, जब वो किसी योजना को देते हैं तो वह स्थल पर जाके देखें, और प्लानिंग उनके दिमाग में होती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ जनरली बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उन्हें बहुत सारी बेसिक जानकारी नहीं होती है, प्लस हमारे जो गांव बसी हुई है वो एक प्लान्ड वे में नहीं है, तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ बिल्कुल हमारे ये सुदूर एरिया है, जैसे दून है, वहाँ पानी की किल्लत है, बिजली नहीं है, लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे यहाँ दलित बस्ती हैं जहाँ हमें नाली की ज़रूरत है, सबके दरवाजे पे गंदा पानी का जमा हो जाता है, लेकिन वहाँ बिल्कुल जगह नहीं है, रोड के सटे सटे लोगों ने घर बना लिया है, इंदिरा आवास बना लिया, अब उन गरीबों को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? तो हमारे साथ कुछ मजबूरी है, हम चाहते हैं कि वहाँ नाला बने, उनको भी सफाई मिले, लेकिन जहाँ हम कर पाते हैं वहीं सक्षम है, जहाँ नहीं हो पाता है वहाँ हमारी मजबूरी है कि काम ना कर पाए। मैम अगर फिलहाल तो अगर हम लोग देखें इस समय कोई भी काम असंभव नहीं है अगर व्यक्ति चाहे तो, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जो हमें सपोर्ट कर रही है विकास की गति की जो रेल है इसको आगे लेकर तो जाने में, तो शायद ही इस समय कोई काम है जो है जो बाकी है कि जो असंभव, हालांकि समुद्र की तह में लोग अपना घर बना रहे हैं और बनवा भी रहे हैं, जो असंभव काम है। लास्टली मैम आपसे यह है आपसे प्रश्न कि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी जनता को, एक तो अभी बकरीद आ रहा है जो हमारे त्याग और बलिदान का प्रतीक है, तो हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं उन सबको मैं बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और दूसरा मैं चाहूँगी कि हमारे प्रखंड में सबसे पहले बेरोजगारी और शिक्षा का क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, तो बेरोजगारी तभी दूर होगी जब हम अपनी लड़कियों को बाहर निकालेंगे, पढ़ाएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम दी है, तो जिससे हमारा क्षेत्र वंचित है उनको मैं मुख्य धारा में लाऊं। दूसरा क्या है कि अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो बेरोजगारी दूर करने के लिए तरह तरह के कैंप लगवाए जाएं, बाहर से हम कंपनीज़ को बुलाएं, उनका प्लेसमेंट करवाएं। जीविका के माध्यम से भी हमने यहाँ 2-3 कैंप लगवाया था ब्लॉक में, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वो बाहर गए। आगे भी मेरा प्रयास रहेगा, और एक बहुत बड़ा चीज़ मैं करना चाहती हूँ अपने बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब से, मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा इंडोर आउटडोर गेम का स्टेडियम बने हमारे रामनगर में, जिसको मैंने चिन्हित किया और मेरे दिमाग में है कि मैं इस 5 साल में कम से कम उसको धरातल तक ला पाऊँ। और एक पुस्तकालय मैं अपने प्रखंड के बच्चों को प्रखंड में ही देना चाहती हूँ, हमारा जो ब्लॉक एरिया है उसी में मैं एक पुस्तकालय इस बार की योजना में शामिल की हूँ। चलिए मैम आपका बहुत बहुत आप धन्यवाद कि आप अपने प्रीसीय समय दिए निकाल कर हमें, तो जो भी प्रतिनिधि है इनसे जनता की बस यही उम्मीद होती है कि अपने वादों पर या जो उनके वादे होते हैं या जो जनता की समस्याएं होती है कई सालों से आ रही है और जिससे उस क्षेत्र की जनता जूझ रही है कि उससे वे लोगों को निवारण मिले और उनको निदान पाए। ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, मैं रईसुल आजम कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज वेस्ट चंपारण बेतिया।